मैदानों में थर्ड डिग्री टॉर्चर तो पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी। सैलानियों में खुशी लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत। जी न्यूज की टीम के साथ आपको भी ले चलते हैं गुलमर्ग, जिसकी खूबसूरती देखकर आप भी कह उठेंगे वाह। देखिए बर्फबारी के बाद कश्मीर का दिलकश नजारा। सफेद बर्फ के आगोश में घाटी की वादियां, पहाड़ों की खूबसूरती ने मोहा सैलानियों का मन। ऐसा अद्भुत नजारा आपने शायद ही देखा हो। बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरती किसका। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। मन नहीं मोहले, इसी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए जी न्यूज की टीम लगातार तीसरे दिन भी निकल पड़ी। इस वक्त हम सोनमर्ग से सटे कुल्लन इलाके में है। ये पहाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं इस तरफ, इसमें करीबन 10 से 12 फीट की बर्फ हुई है और जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ भी करीबन 2 से 2.5 फीट की बर्फ इस वक्त जमा है। और मैं आपको बर्फ की मात्रा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कैसे इसके बिल्कुल भीतर जो है आदमी चला जाता है। करीबन 2 से 2.5 फीट की बर्फ जो है यहाँ पर जमा है। और सोनमर्ग के पहाड़ों पर 10 से 15 फीट तक बर्फ जमी है तो नीचे जमीन पर भी 3 से 4 फीट तक बर्फ है। जी न्यूज की टीम वहां भी पहुंची, जहां पिछले दिनों 4 एवलॉन्च हुए थे जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस वक्त हम ठीक उस जगह पर खड़े हैं जहां पिछले 5 दिनों में करीबन 4 एवलॉन्च आए हैं। और मेरे पीछे जो आप बर्फ से ढके पहाड़ देख रहे हैं, ये वही पहाड़ हैं जहां से बर्फ का एक छोटा सा तोदा एक बड़े हिमस्खलन की शक्ल में नीचे आ गया और इसमें 2 लोग जो है दबकर मर गए। एवलॉन्च के बाद यहां के स्थानीय निवासियों में भी खौफ है। लोगों की माने तो ठंड के मौसम में यहाँ हर साल पहाड़ों से बर्फ दरकती है, जो किसी के लिए भी काल बन जाती है। ये तो गगनगहरे, इससे आगे सोनमर्ग पड़ता है, वो पूरा वहाँ पे तो खतरा है। वहाँ पे एवरलंच आता है, लैंडस्लाइड आता है, खतरा तो है सर। इसलिए वहाँ पे ना शिफ्ट हो जाता है, जो होटल वगैरह है वहाँ के, जो विलेज वगैरह है, वो सारा यहीं पे शिफ्ट हो जाता है, खतरा तो है सर। लेकिन इन सबके बीच एक और भी खूबसूरत तस्वीर है जो देश के कोने कोने के लोगों को अपनी तरफ खींच ले आती है। सोनमर्ग के चांदी जैसे चमक रहे पहाड़ों के नीचे पर्यटकों की खुशियाँ देखते ही बनती है। हरियाणा के सोनीपत से सोनमर्ग पहुंचे इन युवकों से मिलिए। घाटी की वादियों की खूबसूरती ने जैसे इनमें जोश भर दिया हो। एक नंबर का मस्त मजा आ रहा है भाई, बिल्कुल आप भी आनंद लो यहाँ पे, सब आओ। मैं तो कहता हूँ जो जो जहाँ से रहते हो वहाँ से आओ, मजे लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है? जी मोक्ष नाम मेरा, सोनीपत हरियाणा। तो कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है, ठंड इतनी है कि स्थानीय परेशान है, तो वहीं पर्यटक इस बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं। कश्मीर में कई जगह पिछले कुछ दिनों में हिमस्खलन भी हुए और 5 लोगों की इसमें जान भी चली गई। जी न्यूज आपके लिए एक ऐसी ही जगह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया है जहां लगातार ऐसे खतरों के बीच लोग जीवन भी बिता रहे हैं, यहीं रहते हैं। यहां तापमान -16 डिग्री तक पहुंच गया है और हालात बेहद मुश्किल है इनके लिए। सोनमर्ग से जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए। जन्नत कश्मीर में एवलांच की मुश्किल, -16 डिग्री तापमान, आफत में जान। कोई दिक्कत नहीं, जवान है यार हम, बारो मास्टर डे पानी से नहाते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। बर्फ से ढकी वादी, 3 फीट तक जमीन पर गिरी बर्फ, ये नजारा देखने में जितना सुंदर है उतना ही स्थानीय लोगों के लिए खतरनाक।
कहीं रास्ते बंद हैं, कहीं पीने को पानी नहीं, तो कहीं पल पल एवलांच का डर। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी देखी गई। मध्य कश्मीर के गांदरबल और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में लगभग 6 फीट बर्फ जमा है। गांदरबल जिले में सोनमर्ग क्षेत्र में तो एक हफ्ते में 4 हिमस्खलन हुए। इनमें जोजीला सुरंग के लिए काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत भी हो गई। सोनमर्ग सुरंग स्थल पर 1100 से ज्यादा लोगों को सतर्क कर दिया गया है। इस वक्त हम ठीक उस जगह पर खड़े हैं जहां पिछले 5 दिनों में करीबन 4 एवलांच आए हैं, और मेरे पीछे जो आप बर्फ से ढके पहाड़ देख रहे हैं, ये वही पहाड़ हैं जहां से बर्फ का एक छोटा सा तोड़ा एक बड़े हिमस्खलन की शक्ल में नीचे आ गया और इसमें 2 लोग जो है दबकर मर गए। और आप मेरे पीछे ये पूरा पहाड़ जो देख रहे हैं, इसमें साफ वो निशान दिख रहा है जहाँ से एवलांच आया था और नीचे पूरा इस रास्ते को उसने बंद कर दिया था, और यहाँ से आगे बिल्कुल रास्ता जो है बंद कर दिया गया है। और इस तरफ आप वो शेड्स भी देख पा रहे हैं जो एवलांच में भी दिख रहे थे, जो एक प्राइवेट कंपनी के हैं जो यहाँ पर जोजीला टनल का काम कर रहे हैं, और फिर मजबूरन इस जगह से जो है 172 लोगों को जो इस कंपनी में काम कर रहे थे उनको यहाँ से रिलोकेट करना पड़ा, सेफर जोन्स में ले जाना पड़ा। उन 172 के अलावा कई जो स्थानीय मजदूर या फिर ट्रक ड्राइवर्स थे उनको भी यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, और यहीं तक जो है एक्सेस है, यहाँ से आगे जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि इस पूरे इलाके को जो है हाईली एवलांच प्रोन एरिया घोषित कर दिया गया है, और लगातार यहाँ पर जो बर्फीली हवाएं चलती है और जो ये तेज़ धूप खिलती है उसके कारण मैं आपको बता दूं बर्फीले तोदे जो है इन पहाड़ों से छोटा सा बर्फीला तोदा जो है एक बड़े हिमस्खलन की शक्ल लेकर नीचे आता है और उसके साथ हज़ारों टन की बर्फ़ जो है वो नीचे आती है। और पिछले अगर हम बात करें 5 दिनों की तो जम्मू कश्मीर में अब तक 7 एवलांच आ चुके हैं क्योंकि बर्फबारी इतनी ज़्यादा हुई है पिछले 3 दिनों में। यहाँ पर अगर हम इस इलाके की बात करें जो सोनमर्ग से बिल्कुल सटा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए बर्फ़ की मात्रा मेरे घुटनों तक ये बर्फ़ की मात्रा है, और आगे आप जितना जाएंगे तो वहाँ और ज़्यादा बर्फ़ की मात्रा आपको मिलेगी। करीबन 3 से 4 फीट की बर्फ़ जो है नीचे ग्राउंड में है और पहाड़ी इलाकों में 10 से 12 फीट की बर्फ़ है, और यही कारण है कि फ़िलहाल इस इलाके को जो है जो सोनमर्ग या बाकी जगह जो पर्यटन स्थल भी है उनको पर्यटकों के लिए उस जगह के लिए एक्सेस बंद कर दी गई है, और साथ ही साथ इस जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात किया गया है ताकि वे किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाए क्योंकि यहाँ आगे जान का खतरा है और काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर। ठंड की बात करें तो रात में -10 से -15 तक यहाँ तापमान चला जाता है, जैसे ही सूर्य डूब जाता है तो तापमान एकदम माइनस में चला जाता है, और उसके कारण जो है यहाँ पर ठंड के कारण भी आदमी की मृत्यु हो सकती है, इसलिए इस जगह को फिलहाल नो एक्सेस जोन करार दिया गया है। और हाईली एवलांच प्रोन एरिया होने की वजह से किसी भी व्यक्ति को इस तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये जो एवलांच आया था पहले वाला जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 वर्कर की डेथ हुई थी, आप देखिए ये लैंड ये स्नो का मास था और जिसको हमने रफली एक कैलकुलेशन के हिसाब से 20,000 क्यूबिक मीटर आया, एंड विद इन 1 मिनट ये सारा पूरा पहाड़ से उतर के रिवर क्रॉस करके प्लेन ग्राउंड क्रॉस करके रफली 4 मीटर मोटी शीट का पूरा बर्फ बन गया था। लगातार आ रहे एवलांच के बाद जोजीला सुरंग पर काम 2 हफ्तों के लिए रोक दिया गया है। इस भीषण बर्फबारी और लगातार हो रहे हिमस्खलन के बाद स्थानीय लोगों में डर है। सड़कें बाकी जिलों से पूरी तरह से कट चुकी हैं। खासकर गांदरबल के सोनमर्ग और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में जहां बर्फ ही लगभग 6 फीट तक जमा है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि गांव में बिजली पानी और सड़क कनेक्टिविटी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लोग सरकार से सड़कों को खोलने के लिए कह रहे हैं ताकि इन गांवों में जरूरतमंद लोगों और खास तौर पर बीमार लोगों को बिना किसी परेशानी के अस्पताल ले जाया जा सके। इस वक्त हम सोनमर्ग इलाके के गगनगीर इलाके में हैं और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बर्फ़ की मात्रा क्या है और ठंड का प्रकोप क्या है।
हालांकि धूप खिली हुई है लेकिन तापमान फिर भी शून्य से कहीं ना कहीं नीचे दिख रहा है। और मेरे आप देखिए कदम जो कम से कम घुटनों तक पैर चले जाते हैं मेरे, इतनी बर्फ़ की मात्रा है, 3 से 4 फीट की बर्फ़ यहाँ पर है। और ठंड इतनी ज़्यादा यहाँ पर रहती है कि यहाँ तापमान -15 से -20 तक चला जाता है। उसका अंदाज़ा आप इन पेड़ों से लगा सकते हैं, ये जो देवदार के पेड़ हैं इन पर जो बर्फ़ गिरी है वो एकदम से जमी हुई है। हालांकि खिली धूप है लेकिन तब भी ये बर्फ़ जो है पिघल नहीं पा रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पर रहती है और बर्फीली हवाएं चलती है। यही कारण है कि यहाँ पर लगातार पिछले 5 दिनों से हिमस्खलन हो रहे हैं, 2 लोगों की यहाँ मृत्यु हो चुकी है और कई लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके जो है सेफर जोन्स में लिया गया है। और मैं आपको बता दूं आने वाले दिन यानी 18 तारीख से फिर से बर्फबारी का ही अंदेशा किया गया है और उसमें बताया जा रहा है कि और ज़्यादा जो है बर्फ़ होने वाली है और इसलिए फिलहाल जो है हिमस्खलन का खतरा और जो कड़ाके की ठंड है वो इस जगह पर लगातार बनी रहेगी जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ पर अब जो बस्तियाँ हैं जो लोग काम कर रहे हैं जोजिला टनल के लिए उन सबको जो है यहाँ से वैकेट करके सेफर जोन्स में लिया गया है। और हम भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ आने की अनुमति आगे जाने की नहीं दी जा रही है, काफ़ी खतरा है जान का, एवलांच आ सकता है, इसलिए हमको यहीं तक आने दिया गया। और मैं अगर तापमान की बात करूं तो तापमान जो कश्मीर का रहा है वो हर जगह शून्य से जो है नीचे रहा है। श्रीनगर में -2 के आसपास तापमान रहा लेकिन पहलगाम और गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो वहाँ -10 रिकॉर्ड किया गया। अगर सोनमर्ग जहाँ पर हम हैं वहाँ -16 के करीब जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ठंडी जगह जो है वो द्रास रही है जहाँ -26 तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और लुढ़केगा और ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी और इन बर्फीली हवाओं की वजह से न सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल या फिर पंजाब बल्कि पूरा उत्तर भारत जो है कहीं ना कहीं ठंड की चपेट में रहेगा और इस ठंड की वजह से आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ठिठुरन महसूस होने वाली है। इससे घना फॉग जो है वो मैदानी इलाकों में होगा और उससे कहीं ना कहीं जो फ्लाइट्स हैं वो प्रभावित होंगी, जो सरफेस ट्रांसपोर्ट है वो प्रभावित होगा और इसलिए आने वाले दिनों के लिए लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना है कि उन्हें कड़ाके की ठंड का सामना करना है। अगर उनको सफ़र करना है तो उसमें उन्हें देरी हो सकती है। इन सब चीज़ों के लिए आम लोगों को तैयार रहने की ज़रूरत है। जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, वहीं पर्यटकों के लिए ये बड़ी सौगात से कम नहीं है। सोनमर्ग के गगनगीर में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँच रहे हैं और इस सुंदर नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। इस वक्त हम सोनमर्ग के पास एक बस्ती में हैं। यहाँ जब से हिमस्खलन हुए हैं लोग घबराए हुए हैं, लोगों को डर है क्योंकि पहाड़ों से बर्फ कभी भी फिसल सकती है। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अल्ताफ है। अल्ताफ साहब, कितनी मुश्किलें आ रही हैं यहाँ पर? यहाँ पे सबसे बड़ी बहुत मुश्किल आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी लास्ट फरेल है क्योंकि यहाँ से जो गगनगिर है लास्ट इस वक्त है क्यों 4-5 महीने सोनमर्ग, शितकड़ी, सरवल वगैरह बंद रहते हैं तो अब यहाँ रहते हैं। लेकिन बदकिस्मत हमारे यहाँ सबसे पहले फर्स्ट यहाँ जो लाइट है बहुत कम होते हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ लगातार जो है एवलांच आए हैं, 3-4 लोग, 2 लोगों की मौत भी हुई, अभी भी डर बना हुआ, कितना डरे हुए हैं? डर तो इससे पहले 2 साल पहले यहाँ पे भी जो एफको टनल है यहाँ पे उनका भी एक बंदे यहाँ पे 2-3 बंदे गए थे लेकिन एक तो वहीं मर गए तो दो निकाल दिए। यहाँ के लोग निकल गए तो ये नाला है इसी के नीचे से वो गिर गए बर्फ़ के नीचे। पिछले 4 दिनों की अगर बात करें तो 3-4 एवलांच आए, 2 लोगों की मौत भी हुई, अभी भी डर बना हुआ? खतरा तो है सर, खतरा तो है। ये तो गगनगिर है, इससे आगे सोनमर्ग पड़ता है, वो पूरा वहाँ पे तो खतरा है, वहाँ पे एवरलंच आता है, लैंडस्लाइड आता है, खतरा तो है सर। इसलिए वहाँ पे ना शिफ्ट हो जाते हैं, जो होटल वगैरह है वहाँ के, जो विलेज वगैरह है वो सारा यहीं पे शिफ्ट हो जाता है, खतरा तो है सर। 2 कंपनीज यहाँ काम कर रही थी उनके लोग भी मर गए तो उसके बाद उनको शिफ्ट किया सबको? हाँ, सबको शिफ्ट किया यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे रीज़न रोड की हालत आपने खुद देखी सर, आपने खुद देखा यहाँ पे एप्को काम कर रही है, मेल कंपनी जोजिला मेगा वो काम कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है सर उनसे,
वो तो यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रही। आप खुद देखो रोड की क्या हालत है। अच्छा, हमारी बिजली पहले यहाँ पे 370 रुपये आती थी या 360 रुपये, अभी वो 700 रुपये पर मंथ हो गया। लेकिन बिजली तो कुछ भी नहीं है सर, मुश्किलात बहुत है सर। हॉस्टल नहीं है सर। अच्छा, कितना चला जाता है? माइनस में 15 चला जाता है, 15-16 चला जाता है। और भी यहाँ पर लोग हैं। आपका नाम क्या है? इशफाक अहमद सर। इशफाक साहब, यहाँ पर एवलांच का कितना खतरा रहता है? वो तो सब देख ही पा रहे हो क्योंकि यहाँ कितना पहाड़ी है, यहाँ कितना खतरा है सर। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो ये सोच के निकलते घर वापस आएंगे नहीं आएंगे सर, इतना खतरा रहता है एवलांच का सर। तो आपको सरकार ने बोला है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, एडवाइजरी जारी की? वो तो सब न्यूज़ में बोलते हैं सर, लेकिन एक बात जो हमें उसके बावजूद ज़रूरत है सर यहाँ पे, जिसके लिए हम बाहर नहीं जाएंगे, जैसे हॉस्पिटल है, जैसे बिजली, जैसे पानी, उसी के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ एक साल पहले एक इंसिडेंट हुआ, 5 लोग मर गए, एवलांच की रीज़न था हॉस्पिटल का। जम्मू और कश्मीर के 10 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। बर्फ की मात्रा और भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब तक हमने आपको गुलमर्ग दिखाया है, जहां लोग जो है बेहद खुश हैं क्योंकि पर्यटक बहुत ज्यादा आ रहे हैं और पर्यटक भी बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको सोनमर्ग दिखाएंगे, सोनमर्ग का गगनगीर इलाका, क्योंकि सोनमर्ग जो है पिछले कुछ दिनों से खबरों में है, वहाँ एवलांच आए हैं और बहुत ज़्यादा खतरा है। हमने अभी तक देखा कि यहाँ के लोग सहमे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरा रुख ये भी है कि यहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं वो इस सुहाने मौसम, इस सुहानी जगह का बेहद आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इलियास। इलियास साहब, सोनमर्ग में है आप, पूरे बर्फ़ से ढका हुआ है, पेड़ पौधे ज़मीन, कैसा लग रहा है? यहाँ बेहतरीन लग रहा है माशाल्लाह, पूरी सफ़ेद चादर ऐसे उड़ा दी गई हो, इस तरह से लग रहा है। इतनी बर्फ देखना तो अंदर खुद ही एक एडवेंचरस चीज़ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए स्लेज वाले हैं, इनको ये इन पर्यटकों का जो है स्लेज करवा रहे हैं और इनसे इनकी आमदनी हो रही है। ये देखिए ये पर्यटक, आप सर आप बात सुनिए, वो आप तो पूरे बर्फ से ढके हुए हैं, आपसे बात करूँगा मैं। अरे आप तो, आपका नाम क्या है? बलदेव गुप्ता। बलदेव जी, कैसा लग रहा है ये सब? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, इधर आए हैं तो हमको उम्मीद नहीं थी कि जनवरी में इतना अच्छा इन्जॉय हो सकता है हमारा। तो बर्फबारी जो हुई, जो सोच के आए थे वो सब मिला? एक्चुअली में हम लोग जब फ्लैट से दिल्ली पहुंचे थे तो अभी तक बर्फबारी हो रही थी, हमारा फ्लैट रुका दिया गया। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में इतना अच्छा लगा, हमारे आने के बाद में बहुत अच्छी बर्फ़ भी गिरी है और सूरज भी निकल रहा है और धूप में बर्फ़ ऐसी चमक रही है जैसे कि कांच चमकता है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है। हम लोग काफ़ी बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम देखें तो कैसे ये पर्यटक जो है बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। आप देखिए बर्फ़ जो पेड़ों पे गिरी है उस पे उसको खुद पर गिरा रहे हैं, एक अनोखा सा अनुभव है ये, क्योंकि ये सब देखने को कहीं नहीं मिलता है, ये सिर्फ कश्मीर में मिलता है। और कश्मीर में इतने सुहाने जो ये चीज़ें हैं, इनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? इतनी बर्फ़ जमी हुई है, इतनी ठंड है, फिर भी आप मस्ती कर रहे हैं? जी एक्चुअली उसी लिए आए हैं बर्फ़ के लिए ही आए हैं। कोई दिक्कत नहीं, जवान है यार हम, सोनीपत हरियाणा के हैं। सोनीपत हरियाणा, बारो मास्टर डे पानी से नहाते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ जीत दूध देगा नंबर। गाना सुना सकते हो मुझे आप? क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।